जो गाड़ी है टोयोटा की इनोवा है, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, गाड़ी मतलब कुछ हुआ नहीं था, इसके अंदर डीजल डालने के बाद गाड़ी बंद पड़ गई पेट्रोल पंप पे। गाड़ी स्टार्ट कर रहे, स्टार्ट होके बंद हो रही, स्टार्ट होके बंद हो रही है, तो उसको स्कैनिंग करते देखते क्या डीटीसी क्या ट्रबल कोड आ रहा है। ठीक है, टोटा में थोड़ा टाइम लेता है ये स्कैनिंग के लिए। ओके लगा यार, बाकी गाड़ियों में थोड़ा जल्दी रीड कर लेता है, बट टोयोटा में थोड़ा रीड करने टाइम लेता है। टोयोटा, फोर्ड, सफरलाइट, ये सब गाड़ियों में, लेकिन मारुति वगैरह में बहुत जल्दी हो जाता है। टोयोटा में कुछ ज़्यादा ही टाइम लेता है, देखा मैंने बहुत बार। तो इसने डिलीट कर लिया, अभी देखते इसके अंदर जो बता रहा है, कम्युनिकेशन एरर विद व्हीकल इश्यू, वापस से देखते। ओके, तो इसके अंदर दिखा रहा है इंजेक्टर सर्किट ओपन, इंजेक्टर सर्किट ओपन, 2020 इंजेक्टर सर्किट ओपन का ही दिखा रहा है। इसको एक बार फोल्ड क्लियर करते देखते क्या बता रहा है। एक बार चेक कर लेते इसका वायर भी लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि इंजेक्टर सर्किट ओपन बता रहा है, कुछ वायरिंग का इश्यू है कि नहीं एक बार। हाँ ठीक है, सुनो वापस लेते नहीं तो वो सब लगा हुआ। ओके, वापस से स्कैनिंग करते देखते हैं फिर से। ठीक है,
सेल्फ मारने के बाद वापस से वही DTC आ रही है, ठीक है। जैसे सेल्फ मारते ना फॉल्ट क्लियर कर रहे, क्लियर हो जा रहा, पर वही DTC आ रही है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। इसका जो इंजेक्टर ड्राइवर है जो 2 वायर का लगा हुआ रहता है, अभी नई वाली में 3 वायर का आता है इंजेक्टर, जो ड्राइवर है इसका, जिसको उसका प्रॉब्लम भी हो सकता है, ECM का भी फॉल्ट हो सकता है, क्योंकि इंजेक्टर का तो प्रॉब्लम नहीं लग रहा, अभी चेक करता हूँ मैं, ठीक है। तो ACM का भी फॉल्ट हो सकता है, बट तो इस केस के अंदर अभी हम लोग ने चेक किया, मतलब ये जो DTC दिखा रहा था, इस केस के अंदर ज़्यादातर जो फॉल्ट होता है, मतलब 3-4 चीज़ों की फॉल्ट होती है, जैसे कि इसका इंजेक्टर ख़राब हो सकता है, या इसका इंजेक्टर ड्राइवर, जिसका इंजेक्टर ड्राइवर है, जिसको क्या कहते हैं, इंजेक्टर मॉड्यूल भी बोलते हैं, इंजेक्टर ड्राइवर भी बोलते हैं, ठीक है, जो छोटा सा ACM लगा हुआ रहता है, छोटा सा ड्राइवर जो फ्यूज बॉक्स के जो दिख रहा है सामने जो लगा हुआ है, ठीक है, इसका भी फॉल्ट रहता है। बट इसके अंदर जो प्रॉब्लम है अभी हम लोग ने चेक किया, करंट वगैरह सब, ड्राइवर का फॉल्ट नहीं, इसका ACM का फॉल्ट लग रहा है। एक बार वापस इसको टेस्टर से चेक कर लेते, करंट अगर पंप के अंदर बराबर आ रहा है तो इसका ACM चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। और ACM चेंज करने के लिए तो पूरा खोलना पड़ता है, उसके लिए डैशबोर्ड वगैरह, क्योंकि ऊपर का डैशबोर्ड खोलेंगे तभी वो निकलता है, उसके अंदर फिट रहता है उसका जो इमोबिलाइजर है, या तो फिर ACM रिपेयर करके चेक करना पड़ेगा। बट इसके अंदर जो DTC आ रही है उसके हिसाब से एक बार सेल्फ लग गया, करंट चेक कर लेगा, मारो, करंट आ रहा था, मार के रखना, मार के रखो, मार के रुक जाओ, एक मिनट, दो मिनट, वायर सही तो लग रहा है, बैटरी स्विच ऑन होने पे आ रहा, मारो, मार के रखो, मार के, बस। तो ये इसका ACM है, जैसा कि देख सकते ऐसा तो इसमें कुछ नज़र नहीं आ रहा, इसको चेक करना पड़ेगा, देखते हैं नेक्स्ट वीडियो अगर गाड़ी स्टार्ट हो गई तो फिर, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर ही कुछ पंगा है, एक बार इसको चेक करते आराम से फिर क्या है क्या नहीं इसमें।